कांग्रेस चाहती है महिला आरक्षण बिल का श्रेय। आखिर क्यों अपना बता रही है महिला आरक्षण बिल? क्या कांग्रेस ने रखी थी इस बिल की नींव? कैसे बीजेपी ने अपना बताकर पेश किया बिल? महिला आरक्षण बिल को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया है और ये नाम लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार देने और उनकी शक्ति का उपयोग करने के इस पवित्र काम के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है। ये तो पहले से ही मालूम होना चाहिए था कि बीजेपी महिला आरक्षण बिल कब की ला चुकी होती। इंतजार था तो बस ऐसे मौके का जहां से महिला आरक्षण को लेकर पुरानी सरकारों के साथ क्रेडिट न शेयर करना पड़े। संसद के रास्ते में महिला आरक्षण बिल को लेकर पूछे जाने पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी बड़े उत्साह के साथ कह रही थी, इसमें क्या है, ये हमारा है, ये अपना है। बाद में आखिर क्या हुआ कि कांग्रेस नेता एक स्वर में महिला आरक्षण बिल को धोखे जैसा बताने लगे। पहले तो कांग्रेस ये कहते नहीं थक रही थी कि महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश किए जाना यूपीए सरकार में शामिल सहयोगी दलों की जीत है, क्योंकि उसी दौरान ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम भी कह रहे थे, याद रखे कि यूपीए सरकार के दौरान ही ये बिल 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पास हुआ था। विपक्ष का कहना था कि बिल की कॉपी सदस्यों को दिए बगैर बिल कैसे पेश कर दिया गया। जवाब में कानून मंत्री का कहना है कि बिल पहले ही वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। ज्यादातर कांग्रेस नेता जहां महिलाओं को आरक्षण मिलने में देर की बात कर रहे हैं, कार्ति चिदंबरम तो परिसीमन के विरोध में खड़े हो गए हैं। कार्ति चिदंबरम ने तो सोशल मीडिया पर घोषणा ही कर डाली, दक्षिण के राज्यों को परेशान करने वाले परिसीमन संबंधी किसी भी दुस्साहस का विरोध किया जाएगा और उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का स्टैंड क्यों बदल गया है, वो भी अचानक। सुबह सुबह देखा गया उत्साह, शाम तक हताशा में क्यों तब्दील हो गया? कहीं महिला आरक्षण का श्रेय लेने के मामले में पिछड़ने की आशंका तो नहीं है?